नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं हूँ जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ बन रहा है इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीकर ब्रिज। तो अंजीकर ब्रिज के एक नए एपिसोड में कुछ नए जानकारी के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फ़िलहाल आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये अंजीकर ब्रिज का कुछ नज़ारा आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि USBRL प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे खड़ा है। तो उसके साथ साथ जो अंजीकर ब्रिज है उसका भी जो मेन एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म हो चुका है। और अभी जो मिशेलेनियस एक्टिविटीज़ और जो गिने चुने मेन एक्टिविटीज़ में से कुछ है वो बस बचा हुआ है, उसी के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा क्या बचा है और क्या चल रहा है और क्या आगे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हम लोग का सेंट्रल एम्बैंकमेंट एरिया है उसके दोनों चारों तरफ से जो स्लोप है उसको स्टेबिलाइज करने का काम काफ़ी दिन से चल रहा था। तो उसका काम अभी फ़िलहाल चल रहा है। ये हम लोग का जो डाउन स्ट्रीम साइड है उस साइड में अभी इसका काम चल रहा है। अपस्ट्रीम साइड ऑलमोस्ट 95% काम उसका ख़त्म हो चुका है और डाउनस्ट्रीम में अभी फ़िलहाल चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्लोप काफ़ी स्ट्रिप स्लोप बनाना है तो यहाँ पे मशीन का जो एक्सकेवेटर का काम है उसका काम काफ़ी कम है तो मैक्सिमम काम मैन्युअली करना पड़ रहा है। तो इसके लिए इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग हो रहा है। ये अभी फ़िलहाल ड्रेसिंग का काम करके और इसका PCC ग्रिड बीम जो भी इसका एक्टिविटीज़ है वो साथ में करके चल रहा है और इसका जो अपडेट्स है मैं आगे आप लोगों तक देता रहूँगा। और दूसरा उसके बाद मैं पहुँचता हूँ T3 टनल के पास, जिसका नाम अभी फ़िलहाल चेंज होके T35 हो गया है। वो एंड पे मैं अभी खड़ा हूँ T3P1। वहाँ का कुछ नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि वहाँ का जो अप्रोच स्लैब और जो भी बालास्ट रिटेनर सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। उधर बालास्ट डाल के उसमें स्लीपर और रेल ट्रैक का भी काम हो चुका है। ओनली कुछ माइनर काम जो है बचा है वो है हम लोग का वाटर डाइवर्सन, उसका भी 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। ड्रेन बन चुका है, उसके ऊपर स्लैब डाला गया है। ओनली जो काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग वाटर डाइवर्सन किए थे, आप लोग पाइप देख सकते हैं, PVC पाइप के द्वारा हम लोग वाटर डाइवर्सन किए थे। वो पाइप को वापस से जो ड्रेन हम लोग परमानेंट बनाए हैं वहाँ से डाइवर्ट करने का काम बैलेंस है, वो भी हम लोग अभी प्रोसेस में है। उसके लिए सांप और जो बैलेंस ड्रेन है वो बना रहा है। अभी फ़िलहाल मैं आपको दूसरा एक एक्टिविटी के लिए लेके जाता हूँ, वो भी एक हम लोग का मेजर एक्टिविटीज़ में आते हैं। वो है हम लोग का जो AVD है, एंसिलरी वायडक्ट है, उसका स्टॉपर बियरिंग पेडेस्टल यानी सेस्मिक रिस्टेनर पेडेस्टल। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने कुछ बियरिंग आप लोग देख रहे हैं, ये सेस्मिक रिस्टेनर बियरिंग है। ये जो हॉरिजॉन्टली जो ब्रिज मूवमेंट करेगा उसको रोकने के लिए सपोर्ट देगा। ये जो आप लोग बियरिंग देख रहे हैं दो प्लेट है और इसके बीच में रबर पैड देख रहा है, इसको इलास्टोमेरिक बियरिंग भी कहा जाता है। ये जो रबर पैड देख रहे हैं उसके बीच में भी MS प्लेट रहता है। ये हम लोग का जो लेटरल मूवमेंट है ब्रिज का उसको कम करते हैं। जैसे ये पेडेस्टल है उसका और मेन ब्रिज के बीच में इसको इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जो अर्थक्वेक के टाइम में जो भी लेटरल मूवमेंट होता है ये उससे ब्रिज को सेव करेगा। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, जो हम लोग का एक्सपेंशन जॉइंट है रोड पोर्शन और पाथवे साइड में उसका भी काम दोस्तों इधर स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल एम्बैंकमेंट और AVD के बीच वाला जो हम लोग का जॉइंट है रोड साइड में, वहाँ का जो एक्सपांशन जॉइंट है उसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं मॉडुलर एक्सपांशन जॉइंट है जो कि दोनों जॉइंट में इसको लगाया जा रहा है। ये अभी फ़िलहाल ये रोड साइड में लग रहा है और ये जो आप लोग देख सकते हैं पाथवे साइड, इस साइड में भी ये एक्सपेंशन जॉइंट लगाया जाएगा और ये लगाने के बाद इसको चारों तरफ से कंक्रीट है किया जाएगा। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे का कुछ एक्टिविटीज़ के लिए बने रहिए। धन्यवाद।